ये सप्तगिरी उद्यान का बोर्ड टंगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ये याला दरवाजा है और एक दरवाजा उधर है, मैं आपको लेकर जाऊंगा, देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश बोनिक। अभी हम खड़े हैं दल्ली राजरा के सप्तगिरी पार्क के सामने। मैं ब्लॉग बना रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम गार्डन के अंदर आपको लेके जाएंगे। देखिए वो है सप्तगिरी पार्क उद्यान दल्ली राजरा। देखिए आसपास का नज़ारा, देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं सप्तगिरी पार्क। स्वामी विवेकानंद जी, देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है विवेकानंद जी की मूर्ति है। दल्ली राजरा सप्तगिरी पार्क में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों बहुत सारी चीजें बनी हुई है यहां, देखिए। ये फ्लावर शो के दिन खुलता है दोस्तों। दरवाजा बंद है दोस्तों।
जबरदस्त नजारा है दोस्तों, दल्ली राजरा सत्यगिरी पार्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू दल्ली राजरा आयरन सिटी। जी हाँ भाइयों बहनों, ये झील को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप केरला में पहुंच गए हैं। देखिए कितना मस्त व्यू है दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। सत्यगिरी पार्क इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सात पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल, आपको मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, चारों तरफ हरियाली है। दिल्ली को हिल स्टेशन कहते हैं दोस्तों, ग्रीनिटी है। वाओ क्या वंडरफुल लोकेशन है ग्रीनिटी, अमेजिंग दोस्तों। हेलो गाइस, राजेश बॉनिक ब्लॉक में आपका स्वागत है। वेलकम टू राजेश बॉनिक ब्लॉक। सत्यगिरी पार्क आयरन सिटी दिल्ली राजरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आप लोग देखेंगे जहाँ जहाँ आपको दोस्तों, आपको हरियाली दिखेगी, चारों तरफ हरियाली। दोस्तों आप अगर हॉलीडे मनाना चाहते हैं तो दिल्ली राजरा आइए दोस्तों। देखिए यहाँ आपको डायनासोर दिखाई देगा दोस्तों, बहुत ही दोस्तों, इस डायनासोर को हम बचपन से देखते नज़र आ रहे हैं। देखिए जेबरा, जेबरा दिखेगा दोस्तों, मयूर है दोस्तों, बाल उद्यान, जी हाँ बाल उद्यान है दोस्तों, सत्यगिरी पार्क का बाल उद्यान है दोस्तों। दोस्तों ये जो दिल्ली राजरा है ये हिल स्टेशन से कम नहीं है दोस्तों। आप बारिश के दिनों में अगर हॉलीडे मनाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको रायपुर से, दुर्ग से ट्रेन मिल जाएगा दोस्तों। अंतागढ़ जो रेलवे रूट बन गई है दोस्तों, उस ट्रेन से आप आ सकते हैं रायपुर से, जो जिसका समय है शाम को 6 बजे। और आपको बहुत सारी गाड़ियाँ अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर व्हीकल में भी आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। 120 किलोमीटर है दोस्तों, रायपुर राजधानी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। आपने भिलाई स्टील प्लांट का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ से जो कच्चा लोहा जाता है, जो भिलाई स्टील प्लांट में दोस्तों गल के आयरन बनता है। देखिए डायनासोर दोस्तों, जबरदस्त डायनासोर, आपने जुरासिक पार्क फिल्म में डायनासोर देखा हो दोस्तों, आप इसे अपने नज़रों से देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, दिल्ली एक जन्नत है दोस्तों। आप यहाँ एक बार आइए, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। आप रायपुर शहर या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको भीड़ भाड़ और शांति नहीं मिलेगी, जो शांति सुकून आपको यहाँ मिलेगी वैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा, आपका दोस्त राजेश बॉनिक। दोस्तों देखिए आप, हम यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे, कुछ जानवर दिखाएंगे आपको, खरगोश वगैरह, उल्लू वगैरह, कुछ जानवर यहाँ है दोस्तों। देखिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं पैदल, देखिए दोस्तों धीरे धीरे हम पैदल चल रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे जानवर भी हैं यहाँ और ज़बरदस्त नज़ारा है, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। एक बार यहाँ आइए दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली राजरा। देखिए यहाँ आपको खरगोश मिलेंगे पालतू। दोस्तों जो सुकून और शांति आपको राजरा में मिलेगा ना, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ शांति है, सुकून है दोस्तों, ज़बरदस्त जगह है दोस्तों, हिल स्टेशन से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पहाड़। आप अगर चाहते हैं, झील चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो आप एक बार दिल्ली राजरा विज़िट कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए इस जू में आपको छोटे छोटे जानवर मिलेंगे दोस्तों। यहाँ आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शांति सुकून मिलेगा। देखिए जानवर यहाँ, आपको प्रदूषण पॉल्यूशन ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी दोस्तों एकदम। आप अगर शिमला मनाली कुल्लू मनाली अगर नहीं जा सकते हैं तो आप दिल्ली राजरा आइए, सुकून के साथ दोस्तों, शांति के साथ आप यहाँ आइए, रहिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा हिल स्टेशन दिल्ली राजरा में। ये सत्यगिरी पार्क है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा झील है दोस्तों। इस झील में आप आइए, आप नहाइए, बैठिए, घूमिए दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है दोस्तों सत्यगिरी पार्क। जी हाँ, सात पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ, बहुत ही लाजवाब, अद्भुत है दोस्तों। एक बार आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम धीरे धीरे चलते हैं।